भैया 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 कमाल हो गया, धमाल हो गया, लंका की फाड़ी सूर्या भैया ने ऐसा धोती कि भैया रुमाल हो गया। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक, क्या हाल चाल है। भारत की कल की शानदार जोरदार जबरदस्त जीत पर आप सभी को बधाई है। और कल एक तरफ जहां हम इंडिया की जीत में व्यस्त और मस्त थे, वहीं पाकिस्तान वालों का दिन का चैन और रातों का करार गायब हो चुका था। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की ही नहीं रही, अब मामला अगले साल एशिया कप का भी हो गया है, जो कि होगा इंडिया में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यस, मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कल खेले गए तीसरे T20 में कैसे सुपर ओवर में पहुंचा मैच और कैसे जीता हिंदुस्तान, उसके लिए ये मीम ही काफी है भैया, ये वाला। ये था मैच के दौरान का हाल, ठीक है, लेकिन ये है मैच के बाद का हाल। जबरदस्त कप्तानी, जबरदस्त सरप्राइज दिया टीम इंडिया ने श्रीलंका को और खुद हम फैंस को, जब 19वां ओवर और 20वें ओवर में रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग करके श्रीलंका के पैरों तले कालीन को ऐसे खींचा कि मैच पहुंच गया सुपर ओवर में। और फिर क्या हुआ? और ज्यादा जानकारी के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए पहुंची हमारे नोपो चैनल पर, क्योंकि कल वाले मैच के बाद श्रीलंका वालों को हमने जो रोस्ट किया है, ओहो, मजा ना आए तो पैसे वापस, वैसे भी कौन से पैसे आपसे ले रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में नोपो चैनल का लिंक दिया, वहां पर वो मस्त वीडियो बनाई है, जाकर जरूर देखना। लेकिन यहां पर हम फिलहाल आगे बढ़ेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को खिलाने के लिए। पाकिस्तान साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहा है, उपयोग कर रहा है। शोएब मलिक कह रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं, भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। अच्छा, उधर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि हमें भी धमकियां मिली थी इंडिया आने पर हम डरे नहीं, हम भारत जाते थे मैच खेलने, हम हमेशा इंडिया गए, तो इंडिया यहां पर क्यों नहीं आ सकती। तो शाहिद भाई को जवाब मैं वीडियो में आगे दूंगा, आप कोई जवाब अगर उनको फिलहाल देना चाहते तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, सर पे बाल नहीं होंगे तो चलेगा, पर हाथ में माल होना बहुत जरूरी है, माल मतलब पैसा। तो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताता हूं जहां आप पैसे कमा सकते हो। बिनोमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहां पर आपको चार्ट देखना होता है, ट्रेड अप या डाउन करना होता है, और इससे आपको ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। मैंने बिनोमो पे कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन किया, 15 सेकंड में हो गया, फिर 3000 INR का पहला डिपॉजिट किया, रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब मैं आपको दिखाता हूं ये होता कैसे, मेरे साथ बस रिपीट करना। ये देखिए, सुपर कूल, केवल 1 मिनट में INR अपन ने कमा लिया और मैं इसे अब विड्रॉ भी कर सकता हूं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और बिनोमो को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ, जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाओ। वीडियो में आ गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की और जानते हैं इनकी वापस से क्यों सूजी है। हेलो म्यूजिक, पाकिस्तान से जुड़ी किसी भी खबर के नीचे इसको लगा दो तो एकदम बढ़िया वाली फील आ जाती है कि नहीं। जैसा कि एशिया कप कहां होगा, इसके अनाउंसमेंट के बाद मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है कि पाकिस्तान वाले गुंडे ही दिखा रहे थे कि वो 2026 T20 वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। अब उन्हें अपनी गुंडई 1 साल पहले ही दिखानी पड़ेगी, जब इंडिया होस्ट करेगी 2025 का एशिया कप, और इस गुंडे का नतीजा क्या होगा ये तो बाबू भाई जानते हैं। हेलो बाबू भैया, क्या गुंडा बनेगा रे तू। वैसे जब से चैंपियंस ट्रॉफी के बवाल के बीच फंसी पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए उनके पूर्व खिलाड़ी सामने बार बार आ रहे हैं, जैसा कि शाहिद अफरीदी ने कहा, धमकियां मिलने के बावजूद वो इंडिया खेलने जाते थे, तो भैया इंडिया को भी आना चाहिए। इसका जवाब पब्लिक कॉमेंट सेक्शन में तो दे रही अफरीदी भाई। किसी ने लिखा है कि तुम ऑफिशियली आओगे तो सेफ रहोगे, पर हम ऑफिशियली जाकर भी सेफ नहीं रहेंगे। फिलहाल वापस आते उस खबर पर जो ये बता रही है कि एशिया कप भारत में 34 साल बाद लौट रहा है। भारत में आकर बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा होना हर एक विदेशी टीम का सपना होता है, मगर क्या पाकिस्तान भारत आकर खेलने को राजी होगी? क्योंकि वो तो ये राग अलाप रहे हैं कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं पहुंचा और हाइब्रिड मॉडल में कराया गया तो वो 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत खेलने नहीं आएंगे। इस पर जनता क्या कह रही है? हेलो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर भारत में क्रिकेट का बहिष्कार करती है तो इससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल देख लो, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज का आखिरी मैच, कैसे हारा हुआ मैच हमारी टीम ने पलट के रख दिया। टेंशन वाले पलों में स्टैंडर्ड कितना हाई रखती है हमारी टीम, और दिलेर डिसीजंस लेने में तो हम बिल्कुल नहीं डरते। एक तो नई टीम है, उससे भी बड़ी बात 4 प्लेयर्स बदल कर इस मैच में हम उतरे और फिर भी मैच में गजब का कमबैक करके टीम इंडिया ने मैच जीत लिया। ये दर्शाता है कि खिलाड़ियों की मेंटल फिटनेस कितनी स्ट्रांग है और भारतीय क्रिकेट का लेवल बाकी टीमों से कितना आगे है। बस इसी अंतर का सम्मान कर लो शाहिद अफरीदी, न कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नियत पर सवाल या शक करना आपको शोभा देता है। हेलो, अरे तू जा रही। वैसे भी पीसीबी की एमसीबी हम एशिया कप 2023 में ही फूक चुके हैं। याद है आपको हाइब्रिड मॉडल में हुए 2023 एशिया कप में भारत की जर्सी पर होस्ट का नाम भी प्रिंटेड नहीं था। गजब बेइज्जती है।
तो पाकिस्तान वालों, अब तक तो तुम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर परेशान थे, पर अब एशिया कप की खबर के बाद तुम्हारी परेशानियों में कुदरत ने एक और इजाफा कर दिया है। अब आगे देखने में मजा आएगा कि पाकिस्तान क्या कहता है और करता है। लेकिन फिलहाल आप एक काम करके जाइएगा, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके बिनोमो को जरूर डाउनलोड करिएगा। ट्रेडिंग का मजा लीजिए, पैसे भी कमाइए। ऑल द बेस्ट। फिलहाल जाने से पहले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, क्रिको पर कल मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। पाकिस्तान, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों और पीसीबी के लिए कुछ कहना है तो भैया कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिंदास लिख डालो। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जय हिंद, जय भारत।